नमस्कार हमारे प्यारे दर्शकों, दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी खुश हों, स्वस्थ हों, निरोग हों, ईश्वर आप सभी पर अपनी मंगल कृपा बरसाएं, ऐसी शुभ प्रार्थना आप सभी के लिए करते हुए आज के इस वीडियो में आप सभी के सपनों का फल आप सभी तक पहुँचा उपस्थित हैं। दोस्तों, हम सभी अच्छे बुरे दिनों से गुजरते हैं, अचानक सुख दुख की हमें प्राप्ति हो जाती है जिसका हमें पहले से ज्ञान भान नहीं होता, परंतु स्वप्न विज्ञान के अनुसार अगर हम सपने के बातों को समझ लें, जान लें, तो हम अनुमान लगा सकते हैं आखिर क्या कुछ होने वाला है। वैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी सपने में एक से एक, लेकिन अगर आपने सपने में पेड़ पौधे देखा है तो जानते हैं इसके क्या फल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी सपने में देखा है पेड़ पौधों को, तो दोस्तों ये बेहद ही अच्छा और मंगलकारी सपना कहा गया है। आने वाले भविष्य में आपके कोई शुभ सूचना मिल सकती है और आपको साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है, धन लाभ की ओर भी ये संकेत करता है। सपने में पेड़ पौधों को देखना अति उत्तम और शुभ मंगलकारी सपना कहा जाता है। वैसे भी हम सभी के जीवन में पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमारा शरीर चलता है और हमें स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, तो वैसे भी लगाना शुभ ही होता है, परंतु स्वप्न में अति उत्तम और मंगलकारी सपना माना जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में पौधों को लगा सकते हैं। शुभ पौधे भी होते हैं जैसे मनी प्लांट है और बेल का पत्र है, समी पत्र है और तुलसी का पौधा है, घास है और ये अपराजिता है। तो ये बहुत सारे शुभ पौधे होते हैं जो कि भगवान श्री हरि को चढ़ाए जाते हैं, शालिग्राम को तुलसी, और घास जो है गणपति भगवान को चढ़ाया जाता है, ये धन प्राप्ति का पौधा माना जाता है। और बहुत सारे पौधे हैं जो हमें शुभ संकेत देते हैं। शमी का पौधा भव बाधाओं को बहुत सारी नष्ट करता है और बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में पौधे लगाइए, सपने में देखना भी अति उत्तम है। तो ये था सपने में पेड़ पौधों को देखने का शुभ फल। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल प्रेस करिए। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।